कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि आपको कोई नहीं चाहता, आपको कोई पसंद नहीं करता, ये हमको नीति सिखाती है। इस भ्रम में मत रहना कि दुनिया के लोग, आपके संबंधी मित्र, इष्टजन आपको चाहते हैं। दुनिया आपको चाहती है, आपको पसंद करती है, यह आपकी गलत फहमी है। फिर से कहता हूँ, अंदर गंभीरता से समझना कि दुनिया आपको चाहती है, आपको पसंद करती है, यह आपकी गलत फहमी है। दुनिया सिर्फ अपने स्वार्थ को चाहती है। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है। हजारों दोस्त पास होते हैं जब पैसा पास होता है, और टूटता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है। ये प्रकृति का नियम है। आप भी उसी पेड़ के नीचे खड़े होते हो जहां छाया और फल मिलते हैं, उसी नदी के किनारे जाते हो जहां पानी भरा होता है। जब अपन ही स्वार्थी हैं तो अपन दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचना कि दुनिया आपको पसंद करती है, दुनिया को आपसे राग है क्योंकि उसको स्वार्थ की पूर्ति करना है। माँ भी दूध पिलाना बंद कर दे, बच्चा भी माँ के पास जाना नहीं पसंद करेगा। बुरे वक्त में इस बात की परीक्षा हो पाएगी। कब? बुरे वक्त में ही इस बात की परीक्षा हो पाएगी कि अपना कौन है और पराया कौन है। एक बात ध्यान रखना, दुनिया सिर्फ अपने स्वार्थ को चाहती है। नहीं तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी गरीब होने का नाटक करके देखना, कभी गरीब होने का नाटक करके देखना, दुनिया का असली चेहरा मालूम चल जाएगा। जब भी गरीब होने का नाटक करके देखना, कभी भी दुनिया का असली चेहरा सामने आ जाएगा कि दिखता कुछ और है, कहता कुछ और है कुछ और, अपन मानते कुछ और है, अपन मानते कुछ और लेकिन है कुछ और। अब विशेष बात की ओर चलते हैं। जेब में अगर छेद हो जाए, तो पैसों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। मैंने जो कहा उसको फिर से कहता हूं कि जेब में अगर छेद हो जाए तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं, क्योंकि हर कोई स्वार्थी है। दुनिया में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं जो स्वार्थी ना हो। प्रकृति से लेकर के आप अपने जीवन तक इसको टटोल सकते हैं कि जीवन में कितने स्वार्थी लोग हैं। जरा सी बात अगर आपके साथ विपरीत हो जाए, व्यक्ति साथ छोड़ देता है। फिर ये पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुमसे कोई मतलब, तुम कौन, और तुम ही प्रधानमंत्री बन जाओ तो मेरा दोस्त तो प्रधानमंत्री बन गया। आप लोग कहते ना, उस फलाने रिश्तेदार को जानते नहीं है तो उसको शोर सूतक क्यों माने। अरे भैया, वही अगर बड़ा आदमी बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका के, तो आप बोलते फिरोगे हमारे मामी के लड़के हैं, हमारे फुआ के लड़के हैं। ऐसे तो कोई पूछे नहीं कि जीजा जी हैं, बोले हमारे जीजा जी के भाई के बहन के दामाद हैं। इतना लंबा रिश्ता भी निकालो। दुनिया स्वार्थी है, किसी का भरोसा नहीं करना। बुरे दिनों में अपने पराए की, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। जब भी बुरे दिन आते हैं ना, अच्छे बुरे अपने पराए की पहचान होती है। इसलिए मुझे तो बुरे दिन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कम से कम पहचान तो करा रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप अपना है कि पराया, आप तो क्या करो
एक निमित्त दे दो उसको कि वो गुस्सा करे, फिर आप देखना कि अपना है कि पराया। हमने सैयद सागर जी और हम जब साथ में थे, हमने तो कई बार परीक्षा करी, लेकिन इन्होंने एक बार भी क्रोध नहीं किया। हम समझ गए अपना है, और जो छोटी सी बात पर भी चटक जाए वो पराया है। ये थर्मामीटर है, अपने पराये का थर्मामीटर है, लगा के चेक कर लो। पति की भी, पति ने आपके साथ है तो स्वार्थ के साथ है कि वास्तविकता में धार्मिक संबंध है, परीक्षा कर लो, सब मालूम चल जाएगा। बुरा समय धन तो छीन लेता है, बुरा समय जब भी आता है धन छीन लेता है, लेकिन अनुभव देके जाता है। बुरा समय हो सकता है परिवार को छीन ले, लेकिन स्वार्थी साथी की पहचान बता के जाता है। लगता है कई बार कि हम साथी रखे हैं, लेकिन वो स्वार्थी निकलते हैं। आप एग्जाम टाइम्स का देख लो, स्कूल के समय जो खास मित्र हो, एकदम आपका एकदम खास, उससे कहना है ये सब्जेक्ट समझना है, ये लेसन समझना है, वो मना कर देगा। जबकि टाइम है, एग्जाम को 5 दिन है, और उसको पढ़ाने से उसको ही लाभ है, वो भी सीख जाएगा, लेकिन वो मना कर देगा। आपके नोट्स होंगे तो आप किसी को दोगे नहीं, क्यों, वो भी पढ़ लेगा। मैं तो यूं करता था कि जो मित्र थे उनको पढ़ाता भी था, अपने नोट्स भी दे देता था। किस्मत से ज्यादा किसको नंबर मिलेंगे, किस्मत से ज्यादा किसको मिलेंगे। तो क्यों ना अपन अपने जीवन में एक सूत्र उतार के रखें, अपने को अपने ही दम पर जीना है, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं रखना है, क्योंकि दुनिया पूर्ण रूप से स्वार्थी है। चिड़िया जिस बेटे को दाना चुग चुग कर बड़ा करती है और उड़ना सिखाती है, वही बेटा उड़ना सीख जाए तो माँ को भूल जाता है। गाय जिस बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़ा बड़ा हो जाए तो गाय को ही भूल जाता है। तो ये बात अपने हृदय पर रखना कि दुनिया आपको पसंद करती है, चाहती है, गलत फहमी है। जब तक पुण्य है तब तक सब सबको चाहते हैं। रावण को भी उसके भाई ने छोड़ दिया था, रावण को उसका भाई छोड़ सकता है तो आपको भी कोई भी छोड़ सकता है। तैयार रहना, तैयार रहना, कब कौन रिश्ता छोड़ेगा कोई भरोसा नहीं है, तैयार रहना। बुरे दिन में जब धन जाता है, अनुभव आता है, स्वार्थी साथी की पहचान होती है और सफलता होने के लिए नया रास्ता मिलता है। और सबसे विशेष बात, जिगर बनता है जिगर। जब अपन अकेले रास्ते में फंस जाएं, कोई साथ ना हो, तब जिगर बनता है, चलो मैं रास्ता तय कर लूंगा। ये छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति को इसका एहसास तब होता है जब वो चला जाता है। मरने के बाद जो दृश्य दिखते हैं, मरने के पहले वो दिख जाएं तो क्या बात है। घर के लोग भी कहते चलो चलो जल्दी ले चलो, संस्कार करना है। जो लोग साथ में आते कहते भैया देखो यार ऑफिस का टाइम हो रहा है। लोग तो काटी में भी जाते तो आजकल चेहरा दिखाने जाते हैं। दिन बदल गए हैं, वो समय कुछ और था कि जब मकान कच्चे और रिश्ते पक्के होते थे, अब दिन बदल गए हैं, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। तो इन रिश्तों को कच्चा ही मान करके चलना, यही सच्चाई है। मेरी बात आज समझ में ना आए कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जरूर समझ में आएगी, तब आप बोलोगे गुरु जी ने सही कहा था। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य भी एक हर समय नहीं रहता, चांद भी हर समय आपके साथ नहीं रहता, मौसम बदलता है, व्यक्ति भी बदलता है। गिरगिट तो अपनी रक्षा के लिए रंग बदलती है, और इंसान तो स्वभाव से ही रंग बदलता है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है कि रंग बदलती है, रंग बदलती है, और इंसान तो उससे ज्यादा रंग बदलता है, चाहे घर का व्यक्ति हो या बाहर का। आप किसी का पूर्ण रूप से भरोसा मत करना। जब तक पुण्य है तब तक सब तुम्हारे साथ है। पुण्य छीण होते तीर्थंकर को लोग भूल जाते हैं तो अपन कौन है। इसी आज की नीति, अपने जीवन में इस नीति को अपना के रखें। सच यही है, जेब में छेद होते ही सिक्कों से पहले रिश्ते टूट जाते हैं।
इसको जीवन में उतारें, शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।